हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप घर में ही विटामिन सी सीरम बना सकते हैं बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके मैं यहां पर कोई भी केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूं बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाना आपको दिखाऊंगी ये स्किन पर आपको सेम बेनिफिट देगी अगर आप मार्केट का कोई वाइटामिन सी सीरम खरीद के यूज़ करते हो बट हाँ मार्केट का जो सीरम होता है वो काफ़ी महंगा होता है सात से आठ से उसका प्राइस स्टार्ट होता है एंड अगर अच्छा क्वालिटी का आप कोई विटामिन सी परचेज करते हो तो तीन हजार चार हजार भी आपका चला जाएगा बट डोंट वरी आप ये बहुत ही कम पैसे खर्च करके घर में ही बना सकते हैं एंड आपको बेनिफिट्स भी सेम मिलेगी तो सी सीरम बनाने के लिए घर में आपको चाहिए गाइज एक ऑरेंज ऑरेंज का जो छिलका होता है इसमें भरपूर मात्रा में वाइटामिन सी होता है तो ये छिलके को आपको इस तरह से ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से इसका जस्ट चाहिए ओनली इसके बाद आपको सिंपली लेना है एक बाउल बाउल में आपको आधा कप पानी लेना है एंड पानी में आपको ये जस्ट डाल देना है एंड आपको इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है जब तक ये पानी आधा हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए पानी आधा हो गया है ऑलमोस्ट अभी इस पानी को आपको छान लेना है एंड ये जो पानी है गाइस इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में आ गई है जो भी पील में विटामिन सी था सब इस पानी में आ गया है अभी इस पानी को आप आपकी डिफरेंट फेस पैक पे भी यूज़ कर सकते हैं बट अभी मैं आपको सीरम बनाना दिखाऊंगी तो पानी को आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद आपको एक कंटेनर लेना है कंटेनर में आपको डालना है ये पानी टू टी स्पून टू टी स्पून मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कम क्वांटिटी में बनाएं एंड इसे 10 से 12 दिन तक स्टोर कीजिए उसके बाद अगेन बना लीजिए तो इसके बाद आपको इसमें जो डालना है वो है एलोवेरा जेल आप एलोवेरा जेल मार्केट का कोई यूज़ कीजिए अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल इसमें यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर खादी का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ वन टी इसके बाद आपको जो डालना है इसमें एक विटामिन ई e ऑयल की कैप्सूल से ऑयल जस्ट टू प्रिजर्व दिस सीरम तो अगर आपके पास कोई और विटामिन वाइटामिन e ऑयल है वो भी आप डाल सकते हैं इसके बाद जो इन्ग्रेडियंट मैं डाल रही हूँ गाइस दिस इज़ ऑप्शनल आप यहाँ ही स्टॉप कर सकते हैं बट मेरे पास ये है सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल तो मैं तीन से चार ड्रॉप इसे डाल रही हूँ इससे अच्छी खुशबू आती है साथ ही साथ सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल स्किन के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है तो इसके बाद इसे अच्छी से मिक्स करना है ताकि सारी जो इन्ग्रेडियंट्स है आप इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए एंड इसके साथ हमारी सीरम भी तैयार होगी अभी आपको क्या करना है इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है ताकि आप इसे 10 से 12 दिन तक यूज कर सके वैसे तो आप इसे एक महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में बट मेरी सलाह यही है कि आप 10 से 12 दिन बाद बाद इसे बना लीजिए अभी चलिए देख लेते हैं इसे यूज़ कैसे करेंगे गाइज गाइज ये जो सीरम है मार्केट का जो सीरम है बेनिफिट्स आपको सेम मिलेगी बट हाँ ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपने बनाया है एंड आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ है ज्यादा से ज़्यादा दस रुपया आपका खर्चा हुआ है बट गाइस इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है ये आपकी स्किन पर एंटी एजिंग की तरह काम करेगी आपकी स्किन में जो भी डार्क स्पॉट्स है जो भी ब्लेमिश है जो भी पिगमेंटेशन है सब कुछ क्लीन एंड क्लियर कर देगी आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी रखेगी काफ़ी ग्लोइंग भी रखेगी तो रात को सोने से पहले आपकी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए क्लीन करने के बाद ये सीरम आपकी पूरी फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लीजिए एंड थोड़ी सी रब लीजिए हल्की हाथों से एक से दो मिनट तक रब करने के बाद आप देखेंगे गाइस ये जो सीरम है आपकी स्किन पर बिल्कुल एब्जॉर्व हो जाएगी ये बिल्कुल भी ऑयली या फिर चिपचिपा नहीं है रेगुलर बेसिस पे आप इसे यूज़ कीजिए एवरीडे रात को सोने से पहले एंड uh, कुछ ही दिनों में मतलब 15 से 20 में दिन बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी गाइस आप देखेंगे आपकी स्किन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है तो गाइस ट्राई ज़रूर करना काफ़ी अच्छा वर्क करती है एंड आपका फीडबैक भी शेयर करना आके कमेंट सेक्शन में सो गाइस आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई